हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो वापस से आ गए हम एक और न्यू गेम प्ले के साथ। सो जस्ट अभी अभी हमने एक स्क्वाड क्लियर किया। मुझे किल तो नहीं मिली, बट यस मैंने डैमेज दिया काफ़ी। और ऐसा नहीं है कि मैं नॉक हो गया, मुझे एक गोली भी टच नहीं हुई एनिमी की। तो जस्ट अभी मैं हेल्थ लगा के इस वॉल पे आया, तो कहीं से तो किसी कैंपर ने फायर किया, तो अभी मैं पता लगाता हूँ वो कहाँ पे है। तो हमने काफ़ी इजीली एक और स्क्वाड वाइप कर दी। तो यहाँ पे मुझे फुटस्टेप्स के जो साउंड आता है बॉट के, तो मैं जाता हूँ उसको मारता हूँ। एंड एक और प्रो टिप्स, इफ़ यू वांट टू बी अ पीरो, बॉट को सबसे पहले मारना है। ओके तो रोड के दूसरी साइड कहीं तो फाइट हो रही है। अभी काफ़ी देर से वहाँ पे फायरिंग हो रही थी, तो अभी हमने सोचा एक और स्क्वाड को वाइप किया जाए। जल्दी जल्दी यार, ये पूरा मारने आ गया नूबड़ा कहीं का। जल्दी आओ जल्दी विवेक भाई, सारे कितने गंदे बंदे होते हैं भाई। ये सामने ही है बस। सो जब हम इन बंदों पे अटैक कर रहे थे, तो हमारा एक बंदा दूसरे घर में चला गया, और उसको वहाँ पे एक और दूसरी टीम मिल गई जो वहाँ कैंप कर रही थी, वो उसको पूरा फिनिश कर देती है। तो अभी हम जाएंगे और उनसे बदला लेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, अगर आपको पीरो बनना है तो आपको बॉट को सबसे पहले मारना होगा। मैं पागल है तू नीचे। सो मेरा एक और टीममेट सेम गलती करता है और अकेला एनिमी की टीम के पास चले जाता है, जो कि उसे नॉक फिनिश कर देती है, और एक बंदा मेरे ग्रेनेड से नॉक हो जाता है। तो एक लास्ट बंदा बचा होता है जिसको मैं फिनिश कर देता हूँ। एंड अभी मैं अपने टीममेट को रिवाइव दूंगा, उसके बाद हम चलते हैं एक और स्क्वाड को वाइप करने। सो हम पोचिंग के वाले एरिया से निकल के आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं टेंट वाले एरिया में, जहाँ पे एक स्क्वाड पहले से ही है, तो अभी हम उनसे फाइट लेंगे। तो काफ़ी देर तक होल्ड करने के बाद अब हम रश करने का प्लान करते हैं। तो मेरा बंदा जो है ग्रेनेड से नॉक कर देता है। सो मेरा टीममेट जो है वो राइट से रश करता है, बट वहाँ पे दो या तीन जो है बंदे होते हैं जो कि इसे नॉक फिनिश कर देते हैं, एंड मैं भी जस्ट 1 HP बचता हूँ। तो ये भैया जो है हम पे अकेले रस करने आ जाते हैं, बट इन्हें पता नहीं हम बहुत बड़े पीरो हैं। तो इसका भी वही हाल होता है जो मेरे टीममेट का हुआ, नॉक फिनिश हो चुका है ये। तो अभी हम इसके बाकी बंदों को ढूंढते हैं एंड बदला लेते हैं अपने टीममेट का। तो ये बंदे काफ़ी देर तक शांत बैठे रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ मैं इन पर अटैक कर देता हूँ। अरे
तुम्हारे टाइम पे ऐसा लगा ना कि वो लेटा हुआ है। हाँ देख वही चीज में ओए कितने बंदे भाई, ये रहा वो राइट में। तो जो इसका पहला बंदा होता है वो भैया जो है सांप बने होते हैं, तो हम उसको नॉक कर देते हैं। जो दूसरा बंदा है पता नहीं कहाँ से निकल के मेरे पास आ जाता है, जिसको हम दे जिगल करके फिनिश कर देते हैं। हाँ ये बात, पूरा मारते ना कैंपर। तो मैं ये जो लाइटर होते हैं मैं इन सबको जला रहा होता हूँ, या स्टन ग्रेनेड जो भी आप इसे बोलते हैं। तभी यहाँ पे एक स्क्वाड आ जाती है। एंड मैं यहाँ पे लगातार ग्रेनेड से जो है इनके लिए रेड जोन बना देता हूँ, एंड एक बंदा उससे नॉक हो जाता है। सो अभी मैं इन पे रश करने जाता हूँ। तो इनका एक बंदा अपने टीममेट के ग्रेनेड से नॉक हो जाता है, एंड उसको रिवाइव करने के बाद ये भागने की सोचते हैं। बट इन्हें पता नहीं है कि इनके सामने एक पीरो बंदा खड़ा है। सो इन दोनों बंदों को भी मैं इजीली मार देता हूँ, एंड जिसी के साथ ये स्क्वाड होती है ख़त्म। ऊपर से भी मार रहे हैं। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि जोन बार बार मुझ पर ही बन रहा था, एंड जो लास्ट दो बंदे बचे होते हैं वो भी मुझ पर अटैक कर देते हैं। तो अभी मैं इनका भी वही हाल करने वाला हूँ जो पहले दो स्क्वाड्स का किया। भागेगा उसको पता है तू लास्ट का। नेड 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 मौलिया नेड। तो इनका जो लास्ट बंदा होता है वो भी भागने की ट्राई करता है, बट इन्हें पता नहीं है कि इनके सामने एक पीरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो इसका वो मुझे कमेंट में बता सकते हो आप, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना गाइस। और गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि 300 सब्सक्राइबर्स पे मैं एक क्रेट ओपनिंग वीडियो डालने वाला हूँ। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।